हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट पोएम को। इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। जैसा आपने शुरू में पढ़ा था एंट और क्रिकेट वाली पोएम को, कुछ इसी तरीके से ये पोएम है, एनिमल्स के ऊपर बेस्ड है। तो शुरू करते हैं हमारी पोएम को। द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मून मीट। तो यहाँ पर जो अर्थ की पोएट्री है ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, कैसे ख़त्म नहीं होती है? हर सीज़न में हर समय कुछ ना कुछ पोएट्री अर्थ की चलती रहती है, नेचर की कुछ ना कुछ पोएट्री चलती रहती है। जब बर्ड्स गर्मी की वजह से ऐसे लगता है जैसे बेहोश ही हो रही हैं गर्मी की वजह से, हॉट सन की वजह से, तब इस समय वो बिल्कुल भी चिरपिंग की आवाज़ नहीं करती, मतलब बर्ड्स आवाज़ नहीं निकालती और ट्रीज़ के अंदर जाकर छुप जाती हैं। इसी तरीके से हम ह्यूमन बीइंग्स भी करते हैं, जब गर्मी हो रही होती है, बाहर बहुत तेज़ धूप निकल रही होती है, छुप जाते हैं अपने घर के अंदर या घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं। तभी जब इस समय बर्ड्स शांत हैं, अपने ट्रीज़ के अंदर जा जाकर छुप छुप के बैठी हैं, तभी एक आवाज़ सुनाई देगी। हेज टू हेज मतलब एक किनारी से लेके दूसरी किनारी तक। किस चीज़ की किनारी के? जो आपने देखा होगा बीच में घास वगैरह होती है, उसमें एक किनारी से लेके दूसरी किनारी तक जो एक हेज बना होता है, मतलब कि श्रब टाइप हो गया आप समझ लो, एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ से आवाज़ आना कुछ शुरू होती है। और जनरली जो न्यू मोन मीड होता है, मतलब कि आपने देखा होगा कि एक ज़मीन हो गई जहाँ की अभी अभी घास काटी गई है, उसको बोलते हैं मोन करा गया है उसको। तो अभी अभी जब उसकी घास को काटा गया है तभी जनरली ये आवाज़ हमें सुनाई देती है। अच्छा, ये आवाज़ किसकी होती है? ये आवाज़ होती है ग्रास हॉपर की, दैट इज़ द ग्रास हॉपर, और ये ग्रास हॉपर की आवाज़ होती है। अब वो लीड ले लेता है इन समर लग्जरी, मतलब कि अभी हमने देखा है कि ज़्यादातर जो पोएम्स है वो बर्ड उसमें कुछ ना कुछ आवाज़ निकाल रही है इस चीज़ के ऊपर होती है, लेकिन इस समय जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है तब इस समय ग्रास हॉपर एक तरीके से लीड ले लेता है और अब हमें उसकी आवाज़ सुनने को मिलती है, उसकी खुद की कुछ पोएट्री सुनने को मिलती है। ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड। तो यहाँ पर जो हमारा ग्रास हॉपर है इसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, आवाज़ निकालता है, एक अजीब सी आवाज़ आती है ना, जब भी आप गर्मियों में जाओगे घास के पास से इसी ग्रास हॉपर की आवाज़ होती है। जब ये थक जाता है ये आवाज़ें निकाल निकाल के अपनी पोएट्री का गाकर, तो ये क्या करता है, ये मज़े से कुछ वीड यानी कि अनवांटेड प्लांट पेड़ पौधे होते हैं, जिन पेड़ पौधों को लोग उगाते नहीं है, जो खुद से उग जाते हैं, उनके नीचे जाकर आराम से मज़े से रेस्ट करता है। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कॉन्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीज़ें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। तो बेसिकली जो फर्स्ट टेंस है उसके अंदर हमें ये बताया गया है कि कैसे जब गर्मी होती है तो उस समय जितनी भी बर्ड्स है वो गाना बंद कर देती हैं और जो ह्यूमन बीइंग्स है वो भी अपने घर के अंदर आ जाते हैं, बिल्कुल शांति हो जाती है। लेकिन इस समय भी एक एनिमल होता है जिसका नाम है ग्रास हॉपर, जो कि आवाज़ निकालता है, अपनी पोएट्री गाता है इस समय। अब नेक्स्ट टेंस के अंदर हमें क्या बताया गया है? द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज सीजिंग नेवर ऑन अ लोन विंटर इवनिंग when the frost has roused a silence from the stone there shrills the cricket song। तो यहाँ पर नेक्स्ट टेंस के अंदर हमें ये बताया गया है कि जो अर्थ की पोएट्री है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। सीजिंग नेवर मतलब कि कभी भी ख़त्म नहीं होती। जब सर्दी का समय होता, मतलब बिल्कुल कड़ाके वाली सर्दी होती है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, स्पेशली इवनिंग के समय ज़्यादा सर्दी हो जाती है, आप शाम के समय देखोगे तो ज़्यादा सर्दी हो जाती है, शाम के समय से फिर रात के समय तक बहुत सर्दी होती है, और इस समय सर्दी की वजह से चारों तरफ
शांति हो जाती है, मतलब राउत अ साइलेंस, मतलब चारों तरफ एक तरीके से शांति में, चारों तरफ शांति बह गई है, चारों तरफ शांति ही शांति है, बिल्कुल भी शोर नहीं है। फ्रॉम द स्टोन्स देयर श्रिल्स, तभी स्टोन से एक आवाज़ सुनने को मिलती है और ये जो आवाज़ होती है ये होती है क्रिकेट के सॉन्ग की। ऐसा लगता है जब क्रिकेट अपनी आवाज़ निकाल रहा होता है जैसे कि गर्मी सी बढ़ रही है, गर्मी इंक्रीज हो रही है, इन वॉर्म्थ इंक्रीजिंग एवर, गर्मी को बढ़ा रहा है उसकी जो आवाज़ है उससे गर्मी बढ़ रही है। एंड सीम्स टू ओपन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट द ग्रास हॉपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, और कुछ लोग जो सो रहे होते हैं मजे से, जब वो उठते हैं या फिर हाफ ड्राउजीनेस मतलब कि आधी नींद के अंदर होते हैं, आधे सोए हुए हैं आधे उठे हुए हैं, तब उन्हें ऐसा लगता है कि जरूर ये ग्रास हॉपर की आवाज़ है, एक जगह से दूसरी जगह ग्रास हॉपर एक जगह से दूसरी जगह उछल उछल के जा रहा होगा। तो यहीं पर हमारी जो पोएम है वो फिनिश होती है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टैंस के अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि जब सर्दी का समय होता है तब क्रिकेट अपनी आवाज़ निकालना शुरू करता है। क्रिकेट की जो आवाज़ होती है वो बड़ी ही अजीब सी होती है, कान में चुभती है, इस वजह से श्रिल्स वर्ड यूज़ करा है यहाँ पर। तो आप फटाफट कमेंट करिए, क्या आपको डिफरेंस पता है ग्रास ऑपर और क्रिकेट के बीच में? मुझे तो सच में नहीं पता था, बट इस पोएम को पढ़ने के बाद पता लग गया है।